कटियार में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव केके शर्मा का बयान, कहा कटियार लोकसभा सीट से करेंगे दावेदारी। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव केके शर्मा और एनसीपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी कटियार पहुंचे, जहां उनका कटियार के जिला अतिथि गृह में एनसीपी के जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव उर्फ पागल यादव के द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जी दादा पवार और माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर अपने व्यापक राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बना करके कार्य कर रही है। तो उसी क्रम में हम लोग, क्योंकि बिहार कटिहार खासतौर से एनसीपी का गढ़ रहा है, यहाँ से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और यहाँ से जो है एमएलए भी रहे हैं एनसीपी के, तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ सीमांचल के अंदर आए, आप लोगों से आपका आशीर्वाद लेने, शुभकामना और साथियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बातचीत करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस रूप में आए हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी जी और हमारे जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी उर्फ पागल यादव जी, सब लोग मिल करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल पूर्णिया के अंदर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बिहार की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और जो हमारे स्टेट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं इम्पोर्टेंट, उनके साथ कार्यकर्ता संवाद था। तो कल पूर्णिया में थे हम लोग और आज आपके बीच में है। लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या 2024 लोकसभा में कटिहार की दावेदारी रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से कटिहार एक परंपरागत सीट रही है एनसीपी की, तो इसमें दावेदारी तो व्यवस्था है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है? ये उम्मीदवार तो कोई भी हो, ए हो या जेड हो, कोई भी हो सकता है उम्मीदवार। यादव जी भी हो सकते हैं उम्मीदवार, कोई भी हो सकता है, राज जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन पहले जो काम है वो ये है कि हम बीजेपी से अपनी सीट को लें। राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है, इसका क्या? देखिए, सबको अपनी अपनी यात्रा चलाने का हक है और हर व्यक्ति का अपना एक अलग विजन होता है, हर पार्टी का अपना एक कार्यकलाप होता है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो उनका विषय है। सर, आप एनडीए के साथ हैं और कहीं ना कहीं कल जो 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, अयोध्या में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठान की शुरुआत होने वाली, उसको एनसीपी किस तरह से देखती है? देखिए, जहाँ तक भगवान राम का सवाल है, राम तो गढ़ गढ़ में वास करते हैं और सभी के हैं, राम कण कण में व्याप्त हैं, राम को लिमिटेड नहीं किया जा सकता और मंदिर बन रहा है, इसका स्वागत है। लेकिन कांग्रेस अंदर हम लोग सरकार में हिस्सेदारी लेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, 25 के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से हमारी बिहार विधानसभा में हिस्सेदारी होगी, और जब विधानसभा में हिस्सेदारी होगी तो सरकार में भी हिस्सेदारी होगी।